आज हम ट्राई करेंगे 24 कैरेट गोल्ड पिलअप मास्क घर पे ही और घर के इंग्रेडिएंट से। लोग आपको पूछेंगे ये फेस मास्क ट्राई करने के बाद कहाँ से फेसियल करके आए, ग्लो दे रहा है, इतने सोने जैसा चमक रहा है स्किन, पूछेंगे आपको। जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे यानी कि किचन पे ही मिल जाते हैं। मैंने लिया है पटेटो जूस, आलू का जूस, उसके साथ साथ लेमन जूस और थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो खाने में आप यूज़ करते हैं वही वाला लीजिए। और उसके साथ साथ मैंने ऐड किया है पिलअप मास्क, कोई भी ले सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका रेडी हो गया है गोल्डन पिलअप मास्क कह सकते हैं आप। इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे, नेक पे, हैंड पे, जहाँ पे भी, बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। और अप्लाई करने के बाद अच्छे से ड्राई होने के लिए इसको छोड़ देना होता है। अब एक बार के यूज़ में तो अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में दो बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने दिया है सारे कुछ हमारे किचन पे ही होता है। हमारे स्किन को ब्राइटनिंग यानी कि ग्लो बनाने के लिए आलू पोटैटो जूस बहुत अच्छे से काम करता है। हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ना हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता है, इसीलिए इसको गोल्डन पिलअप मास्क भी कहा जाता है। और फेसियल से तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं और होम रेमेडी है, धीरे धीरे करके ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसीलिए थोड़ा वेट तो करना पड़ता है ना। केमिकल से जो अच्छा होम रेमेडी है और जो भी रेमेडी आपके साथ में शेयर करते हैं, पहले अपने खुद स्किन पर ट्राई करने के बाद अच्छा रिजल्ट जो मिलता है मुझे, वही रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पिलअप करने के बाद इसको सारा पिलअप हो गया है, मेरा थोड़ा सूख नहीं गया था इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी में पिलअप कर दिया था, इस वजह से थोड़ा रह गया है। अब अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही पिलअप कीजिए। और अभी धो के आने के बाद मेरा स्किन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन, और पिंपल्स का जो भी दाग था ना मेरा, तो धीरे धीरे करके लाइटनिंग हो गया है। फिर मिलते हैं नए रेमेडी के साथ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।